गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक फॉर्म ट्रिपल आई टी अलावा। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे जो आपको इससे पता चलेगा कि जो एडवांस के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री से, तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने अच्छे से भी पढ़ी है, थोड़ी मोड़ी अच्छे से पढ़ी है और मन लगा के पढ़ी है और अभी जितना टाइम है आप उसमें अच्छे से मेहनत करोगे तो आप भी एडवांस में अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम। हमको मतलब पता कर, मतलब चार ऑप्शन दे रखे हैं, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ऑप्शन है वो UMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिकुलर मास। तो हम लोग पहले क्या करते हैं ना, फॉर्मूला लिख लेते हैं इसमें जिसका जिसका है। पहला जो था हमारा क्या है URMS, तो URMS अपन जानते हैं क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और ये अपन कितना होता है रूट अंडर 3RT/m, सबको पता होगा URMS। दूसरा जो था हमारा क्या, किसका काम होगा, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का। उसके लिए हमको यू एवरेज चाहिए होगा, तो यू एवरेज हम लोग जानते हैं कितना होता है रूट अंडर 8RT/πm। अब हमको यू एवरेज आ गया, तो ई एवरेज अपन क्या लिख सकते हैं, E average is equal to half m v average का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं E average equal to half m into 8RT/πm, और m कैंसिल हो गया, बच गया अपना 4RT/πm। तो अपने को URMS पता है और E average पता है। आगे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कह रहा है कि URMS is inversely proportional to square root of molecular mass, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर मास। तो आप देख रहे हो URMS जो था हमारा, URMS ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m है, तो ये जो था हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि E average is a double when its temperature is increased 4 times। E average जो था हमारा डबल हो जाएगा जब टेम्परेचर 4 times इंक्रीज होगा, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि E average डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मतलब अगर टेम्परेचर 4 times होगा तो E average भी जो था हमारा वो 4 times हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि URMS is double when its temperature is increased by 4 times। तो URMS डबल होगा जब टेम्परेचर 4 times इंक्रीज करेगा। तो आप जानते हैं URMS जो था हमारा, URMS वो इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टी है, तो इसको अगर हम 4 times बढ़ाएंगे तो ये 2 times जो था हमारा वो बढ़ जाएगा। तो सी ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ई एवरेज एट गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मॉलिकुलर मास। तो आप ई एवरेज देख रहे हो कि अगर आप फिक्स टेम्परेचर रख दो तो ई एवरेज भी जो था हमारा वो फिक्स हो जाता है, मतलब वो मास पे डिपेंड नहीं करता, वो 4R/πm जो था हमारा कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब जो था हमारा ये ऑप्शन भी सही है। तो इसके आंसर हो जाएंगे हमारा ACD। तो अगर आप देख रहे हो कि अगर फॉर्मूला अच्छे से ध्यान है, और ये 2019 के एडवांस के क्वेश्चन है, तो अगर आप फॉर्मूला ध्यान है और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जे एडवांस के भी अच्छे से क्वेश्चन लगा सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए बाय।